हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, अभी रात के 9 बज रहे हैं फ्रेंड, और मेरा मन हो गया अभी से ब्लॉग शुरू करने का, तो मैंने अभी से कर दिया। आज दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, तो आज मैं अभी कुछ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो मैं करने जा रही हूँ फ्रेंड, देखिए पसीना कितना आ रहा है, क्योंकि मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, कूलर भी बंद कर रखा है, थोड़ी सी बात करने के लिए आप लोगों के, इसलिए तो कुछ मैं करने जा रही हूँ फ्रेंड अभी, और पहली बार मैं करने वाली हूँ, तो देखती हूँ मेरे से होता है कि नहीं। तो जो मैं कर रही हूँ आप लोग साथ में शेयर करती हूँ, मैं दिखा देती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है सॉस का खाली बॉटल। तो आज मैं बॉटल में कुछ अपनी कलाकारी करूँगी, और मैं बिल्कुल सिंपल वाली करूँगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं किया है बॉटल में। आर्ट से मैंने पेंटिंग वगैरह कपड़े पर किया है, पेपर पर किया है, बट कभी भी मैंने बॉटल पर नहीं किया, तो मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। तो देखती हूँ कैसा होता है, तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। और इसके लिए मैंने बॉटल तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस पर ही होना है फ्रेंड। और मैंने दो तरह के ब्रश लिए हैं, ब्रशेस और सेलो टेप, और ये कुछ कलर हैं, ये कुछ फैब्रिक कलर हैं फ्रेंड। और मैंने एक लिया है फोम, अगर इसका ज़रूरत हुआ तो इसका भी यूज करेंगे। तो देखती हूँ कैसा बनता है। सबसे पहले मैं ना बहुत सबसे जो इजी और सिंपल वाला पेंटिंग हुआ, मैं वही ट्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने ना सेलो टेप का हेल्प लिया है। तो सेलो टेप को मैंने है ना इसको रिंग के शेप में बॉटल में फोल्ड कर दिया है, और उसको है ना पूरा कलर कर दिया है। और उसको सूखने के बाद ये देखिए, मैं हाथों से आराम से इसको ना सेलो टेप को निकाल रही हूँ, तो ये भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है फ्रेंड। और ये देखिए अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। और मैं थोड़ा सा इसको ना लाइनिंग को बराबर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं है ना सेलो टेप अच्छी तरह चिपका नहीं था, तो अच्छा से कलर नहीं हुआ फिर। तो ये देखिए, ये भी एक ना सिंपल सा डिज़ाइन बन गया है, तो इस पर भी मैं कुछ कलाकारी करूँगी। और तब तक मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए मिल्क मेड का डब्बा, और मैंने इसको भी नहीं छोड़ा फ्रेंड, इस पर भी मैं कुछ कलाकारी करूँगी। पहले इन सब का मुझे बहुत शौक था फ्रेंड, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी। बट ये है कि बॉटल आर्ट मैंने कभी नहीं किया, ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। लेकिन इतने दिनों बाद कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और जैसा मैं कोशिश कर रही हूँ तो हो भी रहा है। और ये देखिए फ्रेंड, बन के रेडी हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ्रेंड, ये अभी ना सूखा नहीं है ठीक से, तो आप लोग बताइए फ्रेंड कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैंने पहली बार किया है, और पहली बार में भी मैंने अच्छा कर लिया बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा कर लिया। तो इसका तो अब करती हूँ काम तमाम, इसको रख देती हूँ, क्योंकि इसमें और ज़्यादा गंदा करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और अब ये दूसरा वाला जो मैंने ना, ये मिल्क मेड का डब्बा जो मैंने लिया है, ये भी अब सूख गया है, तो इस पर भी कुछ कलाकारी करती हूँ। अब मिल्क मेड के डब्बे को भी कुछ अपना हाथों का जादू दिखाते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही सिंपल सिंपल मैंने किया, और फ्रेंड मेरे पास कलर बहुत ज़्यादा नहीं थे, और जो भी कलर थे सारे डार्क थे। तो थोड़ी ऐसा ना मुझे मतलब है ना कलर मुझे और चाहिए थे ऐसा लग रहा था मुझे, और मेरे पास ब्रशेस भी नहीं थे। दो तरह के ब्रशेस थे, जो मुझे 0 साइज़ ब्रशेस चाहिए थे वो मेरे पास नहीं थे। और ये फ्रेंड ना, वो जो मैंने दो पेंटिंग किया, एक मिल्क मेड का डब्बे और सॉस के बोतल में, वो 2 दिन पहले का है फ्रेंड। ये 2 दिन बाद फिर मैंने ना फिर से 2 बोतल में मैंने पेंटिंग की है। तो आप इसको भी देखिए, फिर आज के दिन ना मैंने फिर है ना एक कलर भी मंगाया था वाइट कलर का, क्योंकि वाइट कलर में बहुत से कलर है ना मिक्स करने के बाद बहुत सारे कलर निकल जाते हैं, तो मैंने एक वाइट कलर मंगाया है। और इसको भी मैं देखिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सारे आइडिया मैंने है ना यूट्यूब से ही लिया है फ्रेंड, क्योंकि आजकल तो बहुत आसान है, कुछ भी आइडिया लेना हो तो यूट्यूब के अंदर सर्च कर लीजिए। तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर जैसा भी हो रहा है मुझे संतुष्टि है। और ये देखिए फ्रेंड, ये वाला ना, ये 0 साइज़ जो 0 नंबर ब्रश होते हैं उससे बहुत अच्छा बनता, बट मेरे पास नहीं था, मतलब था सब कुछ फ्रेंड, लेकिन है ना ये सौरभ अपना यूज़ करता है, तो जब ख़राब हो जाता तो फिर फेंकने लायक ही हो जाता, तो अभी फ़िलहाल नहीं था मेरे से मेरे पास। तो मैंने ना ये ईयरबड से है ना ये शेप दिया है,
और कहीं कहीं मैंने ब्रश का भी यूज़ किया है। और ये मैंने फ्रूट जैम का भी बॉटल ले लिया है फ्रेंड, तो ये भी खाली पड़ा था तो मैंने इसको भी कलर कर लिया है। और इस पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ थोड़ा पेन की सहायता से, उसके बाद मैं इसके ऊपर से करूँगी। और मैं कर रही हूँ ना फ्रेंड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मतलब है ना, अगर आप कुछ करो और आपके मन लायक हो जाए तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड। बस अपनी कलाकारी मैं इस जैम के बॉटल पर भी दिखा रही हूँ। कहते हैं हर चीज़ का समय होता है, बट मेरा मानना है फ्रेंड किसी भी चीज़ का कोई समय नहीं होता है। जब आपकी मर्जी, जब आपकी इच्छा हो, जब आपका दिल कहे वो चीज़ करना चाहिए फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो मैंने दो दिन पहले किया था ना, तो इसमें भी मुझे लग रहा था कुछ कमी है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें वाइट का टच दिया है तो और भी खूबसूरत लगने लगा है। तो आपको पूरा बनने के बाद चारों का लुक दिखाती हूँ। और ये फ्रेंड रात में ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि रात में जब मैं खाना बना लेती हूँ और खाने में सबको देर होती है तो मैं उस बीच कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि है ना, मतलब मैं थोड़ी अपने जीवन में ना लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्ब भी रहती हूँ, तो मैं इन सब में एंगेज रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और फ्रेंड आप लोग से भी इसको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग भी किसी बातों को लेकर डिस्टर्ब हो या फिर मतलब समय हो आपके पास, तो आप ना ऐसी एक्टिविटीज़ किया कीजिए फ्रेंड, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कुछ भी करने का कोई समय नहीं होता है। मेरी भी पहले यही थिंकिंग थी कि हर चीज़ का समय होता है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड। आपकी जब मर्जी, जब किसी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हो फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने चारों है ना पेंट कर दिया और बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे तो, यानी कि मतलब कलाकार की नज़र से देखे तो बहुत अच्छा तो नहीं है एक, लेकिन एक आम हाउसवाइफ की नज़र से जो कि जिन्होंने कि कभी भी है ना बॉटल आर्ट नहीं किया, पहली बार किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे फ्रेंड। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर बताइएगा।